संगम नगरी प्रयागराज में जहां सीएम योगी द्वारा लाखों रुपए से कान्हा गौशाला बनाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी गौवंश सड़कों पर घूम रहे हैं। ऐसे में विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी का कहना है कि यह बात सही है, गौवंश सड़क पर टहलते हैं, लेकिन वो गंदगी में पड़े पॉलिथीन खाकर बीमार होते जा रही है और गाय पालने वाले लोग भी अपने गाय को दूध दुहने के बाद सड़कों पर छोड़ देते हैं। सरकार को इस विषय पर चिंतन करना चाहिए और गौवंश के लिए योजनाएं चलानी चाहिए। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखो, आम समाज और सरकार ये दोनों मिल करके इस काम को आगे बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है गौवंश की रक्षा हो पाएगी। आज आवश्यकता इस बात की है कि गाय जो दूध नहीं देती है वो भी बहुत लाभप्रद है। आज कोई भी व्यक्ति गाय छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन अगर उसके गोबर का उत्पादन, उसके गौमूत्र से जो कीटनाशक दवाइयाँ बनाने का काम है और गोबर से कुछ चीज़ें बनती हैं, खाद बनती है, ऊर्जा के लिए कुछ बनता है, और वो इतना हो जाए ताकि गौवंश पाला जा सके, तो मुझे लगता है सरकार को इस प्रकार की कोई योजनाएं चलानी चाहिए ताकि कोई भी किसान अपनी गाय अर्थाभाव के कारण उसको न छोड़ना पड़े। ये हो जाएगा तो बड़ी मात्रा में जो गाय छोड़ने के लिए आज विवश हैं लोग, वो छोड़ना बंद कर देंगे, और जो थोड़ा बहुत बच जाती हैं तो सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं कि हम गौपालन के लिए छोटे छोटे केंद्र बनाएंगे, हर ब्लॉक में बनाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।